हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटेलिजेंट ट्रैवल टॉक। और आज है हमारा कश्मीर में डे 4। तो फ्रेंड्स, आज हम जाने वाले हैं चंदनबाड़ी, बेताब वैली और अरू वैली। सो बेसिकली जो भैया आए, हमने गाड़ी बुक करा ली है, भैया आ गए हमको पिक करने के लिए। यहाँ पर आपको ना सेपरेट गाड़ी बुक करानी होती है। जो गाड़ी आप कैरी कर रहे हैं, मतलब जिस गाड़ी से आप श्रीनगर से आए हैं, उस गाड़ी से आप नहीं जा सकते। यहाँ पे यूनियन वालों की सेपरेट गाड़ी होती है जो आपको बुक करवानी होती है। तो हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे बुकिंग से रिलेटेड और इन तीनों प्लेसेस से रिलेटेड, और आपको सारे व्यूज़ भी यहाँ पर शो करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। का स्वर्ग कहते हैं इसे, ये है भारत की शान, ये है कश्मीर, ये है कश्मीर, कश्मीर मेरी जान। यहाँ के बारे में कुछ बता दीजिए, जो भी आप लेके जा रहे हैं। कुछ ये इस साइड में कश्मीर का लास्ट गांव आता है, जिसका नाम है फिरसलन। क्या नाम है इस गांव का? नाम है फिरसलन। ये कश्मीर में इस साइड में, मतलब अमरनाथ के साइड में लास्ट गांव, इसके आगे कोई गांव नहीं है। अच्छा, फिर क्या आ जाएगा इसके बाद? ये ऐसा ही पहाड़ी पहाड़ आता है। अच्छा अच्छा, मतलब ये कश्मीर का लास्ट गांव है? कश्मीर का लास्ट गांव, साउथ कश्मीर का। हाँ जी। और भैया चंदनबाड़ी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो पहलगाम आते हैं उनको बस यही लगता है कि ये जो पौनी राइड के लिए हम लोग जाते हैं बस उतना ही है। ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कुछ, तो आप कुछ बताइए कैसा प्लेस है वो चंदनबाड़ी। हाँ, चंदनबाड़ी, यहाँ से जो चंदनबाड़ी है, इसको यहाँ से अमरनाथ का यात्रा शुरू होता है, बस इसीलिए इसका नाम फेमस हो गया है कि चंदनबाड़ी, जो यात्रा का पहला पड़ाव यही होता है। अच्छा, जो अमरनाथ का यात्रा का पहला पड़ाव यही होता है, जिसको चंदनबाड़ी बोलते हैं। अच्छा, वहाँ से ऊपर पहाड़ में चंदन का पेड़ है, लेकिन वो बहुत दूर दूर है। तो बर्फ मिलेगी वहाँ चंदनबाड़ी में? बहुत बर्फ। पहुंच गए चंदनबाड़ी। आप देख सकते हैं बर्फ ही बर्फ आपको दिखाई दे रही होगी। वैसे हमने आपको अपने गुलमर्ग वाले ब्लॉग में भी बहुत स्नो दिखाई है, और यहाँ पर भी हम स्नो के मजे लेंगे और आप भी हमारे साथ मजे लीजिए। बेसिकली फ्रेंड्स, हमें अपने होटल से ना यहाँ तक पहुँचने में आधा घंटा लग गया, 30 मिनट्स लग गए। काफी आराम से हम यहाँ पर आए हैं, व्यूज पूरी तरीके से इंजॉय करते हुए। तो अब चलिए फ्रेंड्स, चंदनबाड़ी को भी इंजॉय करते हैं। ये अमरनाथ यात्रा का यही शुरुआत है क्या? सीधा पीछे से? अच्छा ठीक है, ये चप्पल यही उतार दूंगा, ठीक है, आके ले लूंगा आपसे। ये बारिश ना वो कर दिया, हो गया ना? ठीक है, आके दूंगा पैसा। ठीक है, चलिए 2 लाख का शर्ट। चलो दे दो आप, क्या करें, 50 रुपये। ये थोड़ी अलग टाइप की स्लेज गाड़ी ना। हाँ, इसमें क्या ऊपर जाएंगे? अच्छा, इससे ऊपर जाएंगे? नहीं, नीचे से ऊपर से नीचे आए। ट्राई करो, ये देखो पैसा नहीं लगेगा आपको, पैसा छुआ बूढ़ी में। कहाँ तक ऊपर? वो आपका मर्जी है, वहाँ ऐसे कैसे चढ़ोगे? मैं जी गाड़ी में बैठ के जाऊँ? सब तो जा ही रहे, छोटा बच्चा। देखो भैया, उस गाड़ी में हमेशा बैठते हो, इसमें एक बार बैठ। Thank you.
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए चंदनवाड़ी, जहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। चलिए आप भी हमारे साथ। और फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे चंदन के पेड़ भी हैं, इसीलिए इसे चंदनवाड़ी कहते हैं। और अभी हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर। और फ्रेंड्स हमने ये लाठी भी ली है, 50 रुपीज़ की दो हमने ली है रेंट पे, तो इससे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है चलने में। वैसे यहाँ पर स्लेज गाड़ी के ऑप्शन थे जो आपको पूरा ऊपर तक लेके जाएंगे और नीचे तक लेकर आएंगे, उसका वो 1000 रुपीज़ बोल रहे हैं दो पर्सन का। लेकिन हमने स्लेज राइड की हुई है गुलमर्ग में, दैट्स व्हाई हमने यहाँ नहीं कर रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स हम बर्फ में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, एक तरह से हम ट्रैकिंग कर रहे हैं यहाँ पर। आप चाहें तो बहुत लॉन्ग भी जा सकते हैं, लेकिन 4 दिन से घूमते घूमते इतनी ताकत है नहीं हमारे में, और टाइम भी लिमिटेड ही दिया है उन्होंने हमें 1 आवर के लिए। और हम लोग बहुत ज़्यादा फिसल भी रहे हैं। हाँ एक्चुअली फ्रेंड्स हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप डंडा जरूर लीजिए, अदरवाइज आप नहीं चढ़ पाएंगे ऊपर। हम इतना फिसल रहे हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। चढ़ तो रहे हैं पर उतरेंगे कैसे? हाँ उतरने में ज़्यादा फिसलेगा नहीं। हाँ फ्रेंड्स ये भी टेंशन है कि चढ़ रहे हैं लेकिन उतरेंगे कैसे। कैसे आओ ऊपर में? अरे तो चलेगा, मुझे लगा तुम्हारी हेल्प करने आ रहे हैं। क्या दियो रुको भैया? नहीं तो आ जाओ नीचे। तुम आ ना ऊपर। नहीं आ पाऊंगा ना। भैया फ्रेंड्स हम लोग चंदनवाड़ी पहुंच गए हैं। होटल से हमें जस्ट हाफ एन आवर लगे चंदनवाड़ी पहुंचने में। बहुत 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 बढ़िया प्लेस है। अगर आप पहलगाम में स्नो देखना चाहते हैं अप्रैल के मंथ में तो हाँ। चंदनवाड़ी से बढ़िया प्लेस आपको नहीं मिलने वाला। बहुत ही ऑसम व्यूज है, हम लोग ऊपर चढ़े हुए हैं और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हालांकि अप्रैल में भी ठंड बहुत ज्यादा है, तो आप लोग उस हिसाब से प्रिपेयर होके आइएगा। लेकिन चंदनवाड़ी बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, आप लोग मस्ट विजिट करिए। और अगर आप लोग सोनमर्ग नहीं जाते तब तो आपको बिल्कुल यहाँ आना चाहिए, क्योंकि मैं पिछली बार सोनमर्ग गई हुई हूँ। तो पिछली बार जो सोनमर्ग हम गए थे वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे चंदनवाड़ी दिख रहा है अभी। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्लेस रहेगा। और मेन अभी ना बारिश हो रही है इसलिए ठंड और भी ज़्यादा बढ़ गई है, और हम आपको ये जरूर रेकमेंड करेंगे कि आप ये डंडा जरूर ले लीजिएगा, अदरवाइज बर्फ में आप बहुत ज़्यादा फिसलेंगे। और एक शूज़ ज़रूर आप रेंट पे लीजिएगा बाकी, और अगर आप ना भी कुछ करें तो ये दो चीज़ें आप कंपल्सरी लीजिएगा। और फ्रेंड्स एक और बहुत अच्छी बात है कि यहीं से अमरनाथ जी की यात्रा भी शुरू होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप ज़रूर यहाँ पर विजिट करिए। और अभी हम आपको यहाँ के व्यूज शो करते हैं और आप उसे एंजॉय कीजिए। और बारिश स्टार्ट हो गई है और हम लोग फिर से कल की तरह भीगने वाले हैं लगता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग निकल चुके हैं चंदन वैली से और अभी हम लोग जा रहे हैं बेताब वैली, और बारिश हमारा बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रही है। हम लोग जैसे तैसे क्या है इंजॉय तो कर ही रहे हैं, लेकिन पर क्या होता है बारिश होती है तो ठंड और ज़्यादा हो जाती है। फिर हम लोग को ये भी डर रहता है कि कैमरा भीग रहा है, तो हम लोग को ये सब भी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। वैसे तो लोग बारिश में भी जो इंजॉय करने आए हैं वो तो इंजॉय कर ही रहे हैं, आप लोग भी करोगे, बट हम लोग को वही थोड़ा सा कैमरे वगैरह का प्रिकॉशन रखना पड़ता है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ के जो व्यूज़ हैं इतने ज़्यादा अल्टीमेट है। मुझे तो सच बताओ तो गुलमर्ग और सोनमर्ग से ज़्यादा पहलगाँव में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब आपको देख के ही लगेगा कि बस देखते ही जाओ, है ना? अभी ठंड में हूँ मैं। पैर पूरे सुन्न हो चुके हैं। हाँ वो तो हो ही गए ठंड में, ऐसे पैर के नाखून जो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं उसमें कुछ जान ही नहीं, इतने ज़्यादा सुन्न हो चुके हैं। फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हम यहाँ पर बेताब वैली पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर अगर मैं आपको डिस्टेंस बताऊँ तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है,
चंदनबाड़ी से थोड़े ही टाइम में मीन्स 10 से 15 मिनट आप बोल लीजिए, 20 मिनट बोल लीजिए, स्पीड पे डिपेंड करेगा और ट्रैफिक पे, आप बड़े आराम से बेताब वैली पहुंच जाएंगे। कितना लोगे बताओ? 100 रुपये। कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, हमने अंदर एंट्री ले ली है और जैसा आप जानते हैं कि हम आपको एक छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, तो यहाँ पर जो टॉयलेट है वो भी हम आपको शो कर रहे हैं कि यहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी अवेलेबल है 5 रुपीज में, तो आप बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि चंदनवाड़ी में आपको ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, रास्ते में भी आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। चंदनवाड़ी के बाद अब हम आ गए यहाँ पर बेताब वैली। तो बेताब वैली में फ्रेंड्स, हम आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देते हैं कि यहाँ पर 100 रुपीज़ चार्जेस हैं, एंट्री चार्जेस पर पर्सन। हाँ, और चंदनवाड़ी में कोई एंट्री चार्ज नहीं थे, और वैसे यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी है तो उसकी भी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि हमें जाना पड़ा था, बहुत 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 ज़्यादा ठंड है तो वॉशरूम तो बार बार यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। और इन वैलीज में बहुत ही ज़्यादा जिगजैग है, तो जिसको भी ऐसे प्रॉब्लम होती हो वो दवाई लेके बैठे। हाँ। हम आज लेके नहीं बैठे तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, गोल गोल घूम रहा है, मन थोड़ा ख़राब हो रहा है। हाँ, एक्चुअल में क्या होता है ना, आप गाड़ी पूरी बंद भी कर लेते हैं, हीटर चालू कर देते हैं उन लोग, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा रहती है तो और प्रॉब्लम होती है, बाहर ठंडा अंदर गर्म। डायरेक्टर अच्छा, इसी ने डायरेक्ट करी है, कितना सॉफ्ट है ये समझता है। कबीर खान, कबीर खुदो, बाय कबीर खान। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम बेताब वैली में अंदर की तरफ घुस रहे हैं ना, अंदर की तरफ जा रहे हैं, हमें फील हो रहा है कि बेताब वैली सबसे खूबसूरत प्लेस है पूरे कश्मीर का। एक्चुअल में यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप पहलगाम में कहीं और जाएं चाहे ना जाएं, बेताब वैली आप जरूर इंजॉय करिए। हम इसको अपने एंड से ये बोल रहे हैं, जो भी हमने प्लेस विजिट किए हैं, हमें सबसे बढ़िया प्लेस यही लगा है बेताब वैली पूरे के पूरे कश्मीर में। आई नो दैट और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेस होंगे, बट हमने जो विजिट किए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपको बोल रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको खाने पीने के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, हम आपको प्राइस भी शो कर देते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल जो हम बेताब वैली में हैं, लिटरली मैं कहूँगा कि अभी तक जो हमने 4 डेज स्पेंड किया, आज हमारा 4th डे है कश्मीर में, सबसे बेस्ट प्लेस यही है। हाँ, और बेस्ट प्लेस या पहलगाम तो मस्ट विजिट प्लेस है, और 2 दिन तो आपको यहाँ बिताना ही चाहिए। 1 दिन तो आपकी पूरी पौनी राइड में निकल जाती है, और दूसरे दिन जो अभी हम लोग ये चंदन वैली, बेताब वैली ये सब कवर कर रहे हैं, ये आपको ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग क्यू में खड़े हुए थे, जब हम वहाँ गए थे गुलमर्ग के लिए गंडोला में, तो मैंने किसी को कहते हुए सुना तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि पहलगाम तो सिर्फ आधे दिन का है, वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ पौनी राइड के अलावा कुछ नहीं है। तो फिर मैं गुंजन से बल्कि पूछने लगी, हम लोगों ने 2 दिन का कराया, कहीं हमारा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा? लेकिन यहाँ आके मुझे पता चल रहा है कि लोग कितने गलत है पहलगाम के बारे में। मतलब यहाँ तो आपको आना ही चाहिए, लिटरली ऐसे व्यूज ना मैंने यूरोप में भी नहीं देखे जब हम गए थे, जितने प्यारे व्यूज पहलगाम में है। फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि पहलगाम मैक्सिमम लोग जो आते भी है उसे 1 डे के लिए आते हैं या आते ही नहीं है, ठीक है। आप प्लान बनाइए 2 to 3 days का एटलीस्ट, ये सेपरेट एक हिल स्टेशन आप ऐसा मान के चलिए, ठीक है, तभी आप इन्जॉय कर पाएंगे। और सच में मतलब इतने अच्छे व्यूज़ हैं, आपको बहुत 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 मज़ा आएगा। और हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि आपको सारे व्यूज़ शो करें, वैसे बहुत बारिश में हम भीग गए हैं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि आपको व्यूज़ यहाँ पर दिखा सकें और सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे सकें। Think I'm new beginning.
तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर वेतावली से वापस जा रहे हैं। मन तो नहीं कर रहा है जाने का, इतना अच्छा प्लेसेस लग रहा है, यहाँ पे घंटों बिता ले। एक्चुअली बारिश कारण फिसलन भी बहुत है। हाँ। मैं फिसल रहा था। हाँ तो आपको और एक पॉइंट बता देता हूँ मैं कि यहाँ पर जो गाड़ी है ना चंदनबाड़ी बेताब वैली और अरू वैली जाने के लिए, गाड़ी जो आप करके आएंगे श्रीनगर से वो अलाउड नहीं होती है। यहाँ की लोकल यूनियन है उन्हीं की गाड़ी आपको करनी पड़ेगी, नियम है इनका, वो अलाउ ही नहीं करेंगे आपको। हाँ। तो जैसे बता दो हमें कितना लगा। गाड़ी का चार्ज 2,000 रुपीज। हाँ। हमें लगा है इन तीन प्लेसेस का। हाँ। 5 hours लगभग वो हमें देंगे। हाँ, टोटल 5 घंटे और हर प्लेस में 1-1 घंटे उन्होंने बोला है कि आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आपको फुल डे के लिए चाहिए तो आप फुल डे के लिए भी ले सकते हो, लेकिन तीन प्लेस के आई थिंक 5 hours इनफ है, मतलब ज़्यादा दूर दूर नहीं है प्लेसेस। इस प्लेस के लिए फ्रेंड्स आपका एक्स्ट्रा टाइम रखिएगा, हम आपको यही सजेस्ट करेंगे। देखिए अगर आप गुलमर्ग होके आ गए हैं ना तो आप चंदनवाड़ी के लिए कम टाइम भी देंगे ना, 30 minutes तो इनफ है, लेकिन इस प्लेस में ना आप एटलीस्ट 1 hour, 1.5 hours जरूर दीजिए। इस तरह से ही जो भी आप गाड़ी बुक करेंगे उनसे भैया से पहले ही बात कर लीजिए कि हमें बेताब वैली में इतना टाइम देना ही देना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अरू वैली की। हाँ, अरू वैली की तरफ। फ्रेंड्स अभी हम लोग अरू वैली में आए हुए हैं। वैसे अरू वैली का जो रास्ता है बेसिकली हम उसी पे हैं, मतलब अरू वैली यहाँ से 2-2.5 kilometers और दूर है। तो अरू वैली का रास्ता जो है ना इतना गोल गोल है, इतना गोल गोल है कि हर्षा को वोमिटिंग भी स्टार्ट हो गई है। आपने देखा भी, हमने आपको शो किया भी। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया होल्ड करने का बट नहीं हुआ, और अभी भी मुझे मालूम है कि मुझे जाते हुए बहुत प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि अगर एक बार हो गई तो वो क्या होता है कंटिन्यूसली आती जाती है फिर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा अरू वैली में ना, अगर आपको पौनी राइड वापस से करनी है, ठीक है ना, टीडर वर्ट करके कोई जगह है यहाँ पर, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं पौनी राइड करके या ट्रैकिंग करना चाहते हैं तब आप आइए, अदरवाइज अरू वैली को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बेताब वैली और चंदनवाड़ी में भी आपको बहुत 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 अल्टीमेट व्यूज़ मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, अरू वैली में भी बहुत अच्छे व्यूज़ हैं रास्ते में, आप ज़रूर इंजॉय करिए, लेकिन अगर आपको वोमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो फ्रेंड्स फाइनली हम अरू वैली पहुंच गए हैं। एक्चुअल में अरू वैली का जो रास्ता है ना वही अपने आप में अट्रैक्शन है, काफ़ी ख़राब रास्ता है, 15 kilometers ये दूर है आपका बोल सकते हैं बेताब वैली से। रास्ता काफ़ी ख़राब है लेकिन उतना ही ज़्यादा बढ़िया रास्ता है, ब्यूटीफुल सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप अरू वैली पहुंच कर चाहते हैं कि आप ट्रैकिंग करें या पौनी राइड वापस से करें तो आप अरू वैली से जा सकते हैं लिदरवर्ड तक। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास, चूंकि हमने कल पौनी राइड कर ली थी इसलिए आज हम नहीं करेंगे, हम बस यहाँ के व्यूज एंजॉय करके वापस जाएंगे। तो नो डाउट फ्रेंड्स अगर आपको एज सच वॉमिटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है गोल गोल वाले रास्तों में तो आप जरूर आइए अरू वैली, क्योंकि ना जो व्यूज है ना मीन्स बेताब वैली से अरू वैली तक के जो व्यूज है वो कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। मतलब रास्ते में इतने बढ़िया व्यूज आपको मिल जाते हैं कि आप लगता है आपको क्या पूरे रास्ते में ही अट्रैक्शंस एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आई होप आपको ये व्लॉग बहुत 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 अच्छा लगा होगा। तो आप इस व्लॉग को जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस कश्मीर ट्रैवल सीरीज को वर्ल्ड फेमस बना दीजिए। थैंक यू। और एट लास्ट अपना बहुत 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 ध्यान रखिए।